शिक्षा मित्रों ने भाजपा जिलाध्यक्ष का स्वागत कर शुभकामनाएं दी। शिक्षा मित्रों की समस्या को लेकर सरकार को अवगत कराने की सिफारिश की गई। बेसिक शिक्षा का रीढ़ शिक्षा मित्र अल्प मानदेय में जीवन यापन करने को मजबूर। प्रदेश में बेसिक शिक्षा की रीढ़ बन शिक्षा की गाड़ी को अपने दम पर खींच रहे शिक्षा मित्रों की समस्या किसी से छुपी नहीं है और नौनिहालों को भविष्य के लिए तैयार कर अल्प मानदेय में घिसट रहे हैं। जीवन में खुद के भविष्य का आधार तलाश कर रहा है और हर छोटे बड़े स्तर पर अपने लिए संभावनाएं भी देख रहा है। इसी क्रम में आदर्श शिक्षा मित्र वेलफेयर एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष हेमंत शुक्ल ने जनपद के तमाम शिक्षा मित्रों के साथ भाजपा जिलाध्यक्ष कन्हैया पासवान का फूलमाला के साथ स्वागत किया और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए अल्प मानदेय में जीवन की जद्दोजहद से जूझ रहे शिक्षा मित्रों की समस्याओं से रूबरू कराते हुए उनकी पीड़ा सरकार तक पहुंचाने और शिक्षा मित्रों की वकालत करने की सिफारिश की गई। सिद्धार्थनगर जनपद के शिक्षा मित्र संघ के अध्यक्ष आदरणीय हेमंत शुक्ल जी के नेतृत्व में शिक्षक यहाँ उपस्थित हुए। इन्होंने मेरा स्वागत भी किया और इनका जो मांग है, इन जो ज्ञापन दिया है, उस ज्ञापन को मैं अपना लेटर लगा करके माननीय प्रदेश संगठन महामंत्री जी को दूंगा। इनका वाजिब मांग है और हम भी प्रयास करेंगे इनकी मांग पूरा हो, क्योंकि लोग लगभग 23 वर्षों से शिक्षण कार्य कर रहे हैं और शिक्षण कार्य जो चल रहा है प्राथमिक विद्यालयों में इनकी भरोसे ही चल रहा है और इन लोगों की बड़ी अहम भूमिका है विद्यालय को संचालित करने में। तो मैं भी चाहूँगा कि लोगों के साथ न्याय हो और मैं पूरा प्रयास करूँगा कि लोगों को न्याय मिले। ये प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर पूरे प्रदेश में यह कार्यक्रम चल रहा है कि नवनियुक्त भाजपा अध्यक्ष जी का स्वागत किया जाए और अपनी जो हम लोगों की समस्या है, 13 वर्षों से हम शिक्षण कार्य कर रहे हैं, अल्पमान 23 वर्ष से अल्प मानदेय पर कार्य कर रहे हैं, उसी के लिए हम अध्यक्ष जी से यह निवेदन करने आए हैं कि आप माननीय मुख्यमंत्री जी से और प्रदेश अध्यक्ष जी से हमारे प्रतिनिधि मंडल को मिलवा करके हमारी समस्या का हल करवाइए।